भारत का चंद्रयान सभी मुश्किलों को पार करते हुए चांद पर उतरने को तैयार है। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 ने अपना अंतिम चरण पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 अंतिम कक्षा उत्थान प्रक्रिया को अंजाम दे चुका है और अब चाहे लाख मुश्किलें आए लेकिन चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि चंद्रयान 3 ने धरती के चारों ऑर्बिट का चक्कर पूरा कर लिया है और अंतिम पांचवें ऑर्बिट की यात्रा के लिए निकल गया है। अब चंद्रयान 3 इस कक्षा को पूरा करते ही चंद्रमा की ओर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाएगा। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 ने 25 जुलाई की शाम को पांचवी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसे पूरा करते ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल जाएगा और अपने लक्ष्य चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में यात्रा करते हुए लगातार ऊपर उठ रहा है। पृथ्वी के चारों ऑर्बिट की यात्रा पूरी कर अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गया है। कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 3 अब 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात के बीच स्लिंग शॉट के जरिए पृथ्वी का ऑर्बिट छोड़ देगा और चंद्रमा के ऑर्बिट की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। चंद्रमा की सतह पर यान के लैंडिंग की बात करें तो ये वही फेज था जो चंद्रयान 2 की नाकामयाबी की वजह बना था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में हर उस गड़बड़ी पर फोकस किया है जो चंद्रयान 2 में हुई थी और एक ऐसे यान को बनाया है जो खुद को चंद्रमा की सतह पर संरेखित करने की क्षमता रखता है। चंद्रयान 3 अपने अंतिम कक्षा उत्थान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। इसरो के मुताबिक अब यह समाप्त हो गया तो अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर प्रवेश के लिए खुद को संरेखित कर लेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 के 3900 किलोग्राम वजनी चंद्रयान पेलोड में एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है जो चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर ध्रुवीय कक्षा तक पहुंचने तक एकीकृत रहेगा। मिशन के दौरान रोवर पूरी तरह से लैंडर से संपर्क करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। मिशन के तहत लैंडर और रोवर को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा जाएगा और चंद्रमा पर प्रयोग किए जाएंगे। लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि इसरो का ये मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के पास थर्मल गुणों की जांच करेगा, भूकंपीय गतिविधि को मापेगा और चंद्र प्रणाली की गतिशीलता को समझने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरता देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।